मैं संजय सनम आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा, आप चाहे तकदीर को, किस्मत को न भी मानते हो, लेकिन इस किस्से को सुनने के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि किस्मत वाकई में होती है। एक पत्नी पीड़ित व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है। महात्मा का प्रवचन चल रहा होता है। व्यक्ति बड़ी शालीनता के साथ प्रवचन सुनने लग जाता है। महात्मा जी का प्रवचन पूरा होता है तो जो श्रद्धालु लोग होते हैं आए हुए, वो धीरे धीरे एक एक करके जाने लग जाते हैं। आखिर में यही व्यक्ति वहां बच जाता है। महात्मा जी जब उस व्यक्ति को वहां देखते हैं, उन्हें उत्सुकता होती है कि जब सारे लोग चले गए, सारे श्रद्धालु चले गए, तो ये व्यक्ति भला यहां पर किसका इंतजार कर रहा है। महात्मा जी उसको पास में बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप गए नहीं अपने घर। उस व्यक्ति की आंखों में पानी आ जाता है। महात्मा जी देखने लग जाते हैं कि क्या बात है, आप बड़े रुवासे से हो गए हैं। वो व्यक्ति बोलता है, महात्मा जी मेरी एक तकलीफ का समाधान कर दीजिए। महात्मा जी बोलते हैं, बताइए, अगर मेरे पास समाधान होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। वो व्यक्ति कहता है, नहीं महात्मा जी, आपके पास तो समाधान होगा ही, हमारे यहां साधु संतों के पास क्या नहीं होता, वो चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। महात्मा जी ने पूछा कि वत्स, मैटर क्या है, बात क्या है, बात बताओ। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के जो व्यवहार की बात है, पत्नी का उसके प्रति जो रवैया है, उससे जो घर में उसके लिए क्लेश रहता है, मानसिक तनाव से जूझता रहता है, हर वक्त वो उत्पीड़न सा महसूस करता है, उसने कहा, मुझे इसका उपाय बताइए कि पत्नी का मिजाज कैसे ठीक हो जाए, ताकि मेरा जब तक मैं घर में रहूं तो मेरा वो समय ठीक से निकले, और अगर वो समय ठीक से नहीं निकलता तो फिर उसका प्रभाव मेरे कर्म क्षेत्र में भी पड़ता है। अब महात्मा जी भी कहीं ना कहीं सोचने लग गए कि अगर इसका ही इलाज मेरे पास होता तो शायद मैं भी महात्मा नहीं बनता। पर उन्होंने ये बात उस व्यक्ति को कही नहीं। उस व्यक्ति को महात्मा ने कहा कि देखो, ये सब नियति की बात है, परमात्मा ने जब ये जोड़ी बना दी है तो फिर आप उसको निभाओ, अच्छे से निभाने की कोशिश करो। अब वो व्यक्ति जो रुवासा था, उसको थोड़ा सा इरिटेशन होने लग गया, उसे गुस्सा आने लग गया। उसने कहा, महात्मा जी, मैं बहुत ख्याल रखता हूं, मैं उसकी भावनाओं का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उसकी तो आवाज में ही पता नहीं ऐसा क्या है, वो कभी मिठास के साथ बोलती ही नहीं। महात्मा जी ने कहा कि वत्स, क्या कभी आपने अपनी पत्नी के खाने की तारीफ की है? जब पत्नी खाना बना करके आपके पास लाती है, टेबल पर लगाती है, आप खाते हैं, तो क्या कभी आपने उसकी बनाई हुई चीजों की तारीफ की है? अब वो व्यक्ति बोला, महात्मा जी, तारीफ तो तब की जाए ना जब कोई चीज अच्छी बने, कोई चीज अच्छी बनती नहीं, मैं तो आधा भूखा हमेशा घर से निकलता हूं। महात्मा जी ने कहा, बेटा, अच्छी बने या न बने, इसको भूल जाओ। अगर तुमको अपनी पत्नी का व्यवहार सही करना है तो झूठी ही सही, पर तुमको तारीफ करनी पड़ेगी, और तारीफ इस अंदाज में करनी पड़ेगी कि पत्नी को भी लगे कि तुम दिल से तारीफ कर रहे हो। उस व्यक्ति को महात्मा जी की ये बात समझ में तो नहीं आई, पर मरता क्या ना करता, अगर इस विधि से समाधान हो सकता है, पत्नी का व्यवहार ठीक हो सकता है, तो फिर करने में हर्ज नहीं है। उसने कहा, महात्मा जी, आप जब यह बात कह रहे हैं
तो ठीक है, मैं आज से ही अप्लाई करता हूं। अब वो व्यक्ति घर जाता है। घर जाने के बाद जब खाने की टेबल पर बैठता है, खाना आता है। अब उसके मन में यह तय था कि खाना चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मुझे आज श्रीमती जी की तारीफ करनी है, और तारीफ भी बड़े लच्छेदार अंदाज में, बड़ी शायरी के अंदाज में, कि उसे एकदम ऐसा लगे कि हाँ, मैं सचमुच उसकी तारीफ कर रहा हूं। वो बिल्कुल महात्मा जी की बात का दिल से अनुसरण कर रहा था। अब देखिए, खाना आया हुआ था, उसने खाना शुरू किया, दो तीन कोर उसने लिए, खाना वाकई में स्वादिष्ट था। अब उसके मन में आया कि क्या बात है, महात्मा जी के पास जाकर आने से इतना परिवर्तन हो गया, ये तो खाना भी इतना स्वादिष्ट है, अब तो तारीफ वाकई में तारीफ हो गई। अब उसने पत्नी को आवाज लगाई और तारीफ के कसीदे पढ़ने शुरू किए, बिल्कुल वही कि मन तो करता है कि आपके हाथ, वो बिल्कुल शायरी वाला अंदाज, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उसने सोच रखा था, लेकिन अब ये काल्पनिक नहीं थी, अब ये वास्तविक थी, क्योंकि खाने का स्वाद वाकई में ऐसा था, बड़ा लजीज था। वो तारीफ कर रहा था, पत्नी उसकी तरफ घूर रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि पत्नी उसे घूर क्यों रही है। उसने और लच्छेदार अपनी भाषा को बनाया और एक दो कसीदे ऐसे पढ़े तारीफ के। पत्नी सुनती रही, रसोई में गई। इस बार उसके हाथ में बेलन था और बिल्कुल उस व्यक्ति के सर के पास बेलन तान करके खड़ी हो गई, और अब पत्नी ने कहना शुरू किया, सब समझती हूं, आज तक मेरी तारीफ तुमसे नहीं हुई, लेकिन आज पड़ोसन ये पराठे देके गई है ना, तब तुम्हें तारीफ आ रही है, तब तुम हाथ, समझ गए ना, अब इसे कहते हैं तकदीर, किस्मत। कोई व्यक्ति कर्म अच्छा करने की सोचता है, लेकिन किस्मत में अगर उल्टा होना लिखा होता है तो साहब फिर ऐसे होता है। उसने महात्मा जी के उपदेशों का पूरा अनुसरण किया और बिल्कुल वो सोच के आया था, अगर खाना अच्छा नहीं भी होता तब भी वो तारीफ करता, पर खाना अच्छा था, स्वाद अच्छा था, तारीफ दिल से हुई, और वो दिल से जो चीज होती है ना, उसका असर होता है, लेकिन वो असर जो है, वो अब इसे किस्मत ही कहिएगा ना, क्या कहिएगा, कि आदमी अच्छा करने की सोच रहा है, उसके बाद भी पत्नी बेलन लेके आ गई। यह मत पूछिएगा कि बेलन सिर्फ तनी हुई रही या उसके ऊपर पड़ी, मत पूछिएगा, ये आप अपने हिसाब से इमेजिन कर लीजिएगा, पर मेरा मकसद यह था कि किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार आप कर्म अच्छा कर रहे होते हैं, आपकी नियत अच्छी होती है, आप सही रूप से कर रहे होते हैं, लेकिन सितारे अगर आपके साथ नहीं होते तो आपका सही रूप से किया हुआ काम भी फलीभूत नहीं होता। आपके क्या राय है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? वैसे इसमें हंसने वाला तथ्य भी है, हंस भी सकते हैं, लेकिन इसमें एक लॉजिक भी है, एक सवाल भी है, इसका जवाब भी देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बात अगर अच्छी लगी तो फिर लाइक कीजिएगा, अपनों तक भेजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आकर के अपने विचार जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।